हेलो दोस्तों, मेरे इसके आज का टॉपिक है पहले का सीआरटी मॉनिटर में कितना पार्ट्स यूज़ किया जाता था। आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको खोलने वाला हूँ, खोल रहा हूँ अभी। इसको पूरा हम खोलेंगे, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म है और कैसे ये वर्क करता था। ये मेरा पहला बड़ा वीडियो होगा। ये बहुत ही टाइट से कसा हुआ है। और मैं तारकेश्वर गया था बाबा धाम, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, ठीक से आवाज़ नहीं निकल रही, मेरा गले से हवा निकल रहा है ज़्यादा, आवाज़ से भी ज़्यादा। चलिए फिर भी मैं आप लोगों के साथ बात करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो देखना है मज़ा लगे, बोर मत हो आप लोग, इसीलिए मैं बात करता जाऊंगा। मैं ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं जानते, मेरा फॉलोअर्स भी ज़्यादा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा एक अच्छा चैनल हो और मैं कुछ आप लोगों को दिखा सकूं, मेरा बहुत आशा है ये। लेकिन कब सफल होगा ये तो मुझको पता नहीं। और एक चीज़ दिखाते हैं, ये है सीआरटी मॉनिटर का मेन। ये काम करता है 1000 वोल्ट में, ये 1000 वोल्ट में जाता है। इसका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ये फ्लो होता है फ्लो। अब जब इसमें लाइव देंगे, इसका रनिंग, ये रनिंग है अभी, इसको हम दिखा सकते हैं आपको, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, हाई वोल्टेज रहता है, प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, यहाँ से अंदर होता है और पूरा पिक्चर ट्यूब का चलाता है। और ये जो कॉयल आप लोग देख रहे हैं, इसका जो कलर है, इसका कलर ये ठीक करता है। और ये जो छोटा छोटा चीज़ आप लोग देख रहे हैं, इसका जो पिक्सल होता है अंदर का जो पिक्सल, पिक्चर ट्यूब का जो पिक्सल होता है, वो पिक्सल को एडजस्ट करता है, कलरिंग एडजस्ट करने में ये सब यूज़ होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा करके मैग्नेट रहता है इसके अंदर। आपका पुराना टीवी रहेगा तो घर में, ख़राब टीवी, आप ऐसा कुछ लगा के देख सकते थे, देख भी सकते हैं कि थोड़ा मैग्नेट रहता है इसके अंदर, पूरा काम मैग्नेट से ही करता है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है और इसमें इसके अंदर इसका जो काम वो बना रहता है। तो मैंने ये पूरा ओपन कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ लगे हैं इसके अंदर। इसको हम पूरा हटा देंगे। कुछ ठीक करने का वीडियो नहीं, कुछ ख़राब करने का ही है। और ये ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है, कोई बात नहीं। देख सकते हैं इसका जो मदरबोर्ड है, ठीक है, ये बारिश से थोड़ा भीग गया है, ये अभी भी रनिंग है। हम अभी भी इच्छा करें तो ये हम चला सकते हैं, लेकिन हम नहीं चलाएंगे अभी। ये पूरा बहुत ही ओल्ड हो चुका है, बहुत लाइन खाता है। मैं थोड़ा छींक रहा हूँ, मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ही ख़राब चल रहा है मेरा तबीयत आज। 3-4 दिन से हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं डेली 2-4 को, लेकिन बना नहीं पा रहे कुछ दिन से, मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण। और मैं थोड़ा बाबा धाम गया था, कुछ बाबा से बातचीत करना था, कुछ बाबा से मांगना था, हमने मांग लिया। अब देखेंगे कब मेरा बाबा मेरा विश पूरा करे। इसको तो हम पूरा खोल नहीं पा रहे हैं, यह आउटसाइड से शोल्डर किया है, देख सकते हैं, यह से शोल्डर किया है। यह इसका काम होता है, इसका जो VGA है, ये VGA को ठीक ठाक करके किधर कितना लाइन पहुंचाना है, किधर कौन सा कलर देना है, ये डिटेक्ट करता है। और इस जो ट्रांजिस्टर के भी देख रहे हैं आप, ये भी बहुत ही काम का है, ये टोटल चीज़ ही काम का है।
एक के बिना एक नहीं चलेगा। चलेगा तो ऐसे चलाएं, हाँ एक एक पोर्शन को ऐसा देख सकते हैं। पकड़िए आप यह जो चार चीज़ें हैं, पांच चीज़ें, इसको ये चला रहा है, ठीक है। अगर एक ख़राब हो जाए तो एक भी इसको चला लेगा, लेकिन ये ओवर हीट होगा, जल्दी ये पूरा पोर्शन को ख़राब कर देगा। इसीलिए ये बहुत ही चिंता भावना के साथ बहुत कुछ सोच के विज्ञान ये सब रेडी किए हैं कि प्रॉब्लम ना हो। इसका उम्र है अभी 15 साल, तो 15 साल से ये चल रहा है, अभी भी रनिंग है। तो देखिए कितना अच्छा माल पहले तैयार होता था। अब मैं इसका ये वाला पोर्शन मैं खोलने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट होता है। इसमें कॉयल हैं, आप देख सकते हैं, इससे थोड़ा ऊपर है ये, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। पूरा का ही पूरा एक मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड से टोटल काम किया जाता है। ये वायर आप देख सकते हैं, ये वायर से भी एक फील्ड जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पूरा ही एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है, और इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज जाता है ये बोर्ड से, और वोल्टेज बढ़ाने का काम होता है। सुनने में थोड़ा ख़राब लग रहा है मेरा गला, कि ये भी एक सुनने का तो चीज़ है ना, कि अच्छा लगेगा तो बोलेगा भाई लोग, हाँ भाई आपका अच्छा, आपका गला का वॉइस बहुत अच्छा है। लेकिन अभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है। इससे आप ये जो देख रहे हैं, इससे इसका जो क्या इसको बोलते हैं, ये घुमाने से इसका जो पिक्चर ट्यूब का जो कलर है, ये ब्राइटनेस वाइट ज़्यादा कम इससे किया जाता है, और एक से फोकस किया जाता है कि कैसा आपका पिक्चर क्वालिटी एकदम बारीक सा रहे, इससे पूरा इसको अलाइन किया जाता है, देख सकते हैं। और ये जो आईसी है, ये आपको टीवी में भी देखने को मिल जाएगा ये आईसी, लेकिन एक चीज़ इसके इसमें आपको नहीं मिलता है देखने के लिए, जो टीवी में मिलता है, वो जो आपको एंटेना लगाने में लगाने के इधर जो सर्किट रहता है, उसके अंदर एक पोर्ट रहता है पीछे तक की तरफ से, इधर एक सर्किट रहता है। लेकिन यह है मोनीटर, मोनीटर का काम करता है, ये तो कंप्यूटर में चलता है, इसीलिए इसमें वो दरकार ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, ये तो अकेला ही कंप्यूटर ही चलेगा और कुछ नहीं। और एक चीज़, इसका ट्रांसफार्मर, इससे ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारा ट्रांसफार्मर देखे हैं, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसा बहुत बहुत 24 वोल्ट, 40 वोल्ट, बहुत सारा, बहुत बहुत जैसा भी आप वोल्ट निकालना चाहते हैं, अब इसके अंदर जैसा कॉयलिंग बनाएंगे वैसा वोल्ट इससे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इससे बहुत सारा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, इससे एक मैकेनिज्म है, कई 100 वोल्ट लगता है, कई 50 वोल्ट लगता है, कई 20 वोल्ट लगता है, ऐसे ऐसे पूरा ये वोल्ट चलता है, ये बोर्ड चलता है। इसीलिए अभी जो CRT मोनीटर था या कलर टीवी था, इसके अंदर ये वाला ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, और पहले का जो ब्लैक एंड वाइट टीवी रहता था उसके अंदर यूज़ किया जाता था, जो 12 वोल्ट बड़ा वाला 2 एम्पियर का, 1.5 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर वो। और ये देख रहे हैं इसका जो मेन आईसी, ये आईसी जो इसका काम होता है इसको ऑपरेट करना, इससे अच्छा वोल्टेज ये बनाता है, और यहाँ से पूरा हाई फ्रिक्वेंसी तैयार होता है। ये फ्रिक्वेंसी इसके अंदर इसको हाई फ्रिक्वेंसी होता है, और इधर से इसको हाई वोल्टेज करके निकालता है, ठीक है। एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, ऐसा एक चीज़ देख के हाई वोल्टेज निकाले हैं हमने, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, एक शॉर्ट वीडियो है। और ये है PF, देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से, ये बहुत ही ओल्ड है, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड से ही हम लोग सीखे हैं, ये सब देख के ही तो अभी का ज़माने में इतना अंदर इतना अच्छा अच्छा चीज़ तैयार होता है, पहले का सामान देख के ही ये सब को देख के ही अभी का सामान तैयार किया जाता है। ये LG का था, आप देख सकते हैं, देखिए इसका मदरबोर्ड भी LG का है, देख सकते हैं, ये देखिए LG का था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था और चलता भी अच्छा था। अब मैं खोलेंगे ये इसको,
थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी एडिटिंग नहीं करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा देखें। इसको ये बहुत ही चिपक गया इधर से, इसको हम हटा नहीं पा रहे हैं। इसको हटाएंगे सही हम। नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बाद में ये वाला वीडियो होगा।